हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजू सिसोदिया एकेडमी। देखिए, हम मैथ में देखेंगे। हमने मैथ में आपका भिन्न एवं दशमलव पहला पार्ट देखा था, तो उसमें हमने पहले पार्ट में देख लिया था। पहले पार्ट में उसमें हमने क्या देखा था, एक बार बता दिया जा रहा है। आपका भिन्न का जो दशमलव, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और उसमें देखा था हमने जैसे छोटी भिन्न ज्ञात करना, बड़ी भिन्न ज्ञात करना, भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं उन्हें, और जो भिन्न जो सूत्र आधारित क्वेश्चन होते हैं जो भिन्नों पर, वो हमने देखे थे फॉर्मूले टाइप वाले। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखते हैं आवर्त दशमलव। इस क्लास में आपका भिन्न एवं दशमलव जो भी चैप्टर है, ये वो आपका फिनिश हो जाएगा। इसे आवर्त दशमलव को देखेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भिन्न के ऊपर, उन सभी क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर कर लिया जाएगा। और ये एक बात दी है आपका, ये आपका UPSSC PED के साथ साथ जो भी अदर एग्जाम है, उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आवर्त दशमलव होता क्या है। पहले आवर्त दशमलव होता क्या, उसे समझते हैं। आवर्त दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ऐसी दशमलव भिन्न जहाँ दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार क्या हो, पुनरावृत्ति हो, यानी उनका रिपीटेशन हो। दशमलव के बाद अगर उनका रिपीटेशन होता तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है 5/3। अब 5/3 में आप भाग दीजिए 3 का 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 × 3 2 बचेंगे, फिर पॉइंट लगा के 6 × 18 2 बचेंगे, फिर 6 बार जाएगा, यानी कंटिन्यूस रूप से कितनी बार चलता रहेगा आपका, 6 बार चलता रहेगा। तो क्या हो रहा है, दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की क्या हो, जब रिपीटेशन होता है उसे ही हम आवर्त दशमलव कहते हैं। तो जो रिपीटेशन होता है, कितने का रिपीटेशन हुआ, 6 अंक का, तो इस 6 के ऊपर बार लगा देते हैं। कई भी कभार तुमने 1.6 बार ऐसे देखा होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.6 के ऊपर भी पॉइंट लगा देते हैं। बार का काम कौन करता है, यहाँ पर पॉइंट करता है, ये आपका रिपीटेशन शो करता है। अच्छा, ऐसे ही 5/18 लिखा है, इसमें अगर आप भाग दोगे तो पहले 5 में जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर 0 बढ़ाओगे तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36, फिर घटाओगे 40, फिर 7 बार जाएगा, फिर कंटिन्यू 7 बार जाएगा, 7 बार जाता रहेगा। तो यहाँ पर कहाँ से रिपीटेशन हुआ आपका, 0.2 का रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का। तो जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर अपने बार चढ़ा दिया, बार नहीं तो पॉइंट चढ़ा सकते हो। तो आपका कौन से है, इन्हें ही बोलते हैं हम आवर्त दशमलव भिन्न। चलिए, अब आवर्त दशमलव भिन्न जो होती है, जो अभी आपने देखा, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, और दूसरी होती है आपकी मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक एक करके दोनों को समझते हैं, इनके ऊपर एग्जाम्पल, इनके नियम क्या होते हैं, सॉल्व करके कंप्लीट समझ में आएगा। देखिए, पहले देखते हैं हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, आपके बेसिक क्वेश्चन जैसे समझ में आ जाएगा। ऐसी भिन्न जो पॉइंट के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहे, ऐसा ना हो कि जैसे बीच में कोई अंकों वो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद जितने भी अंक आएंगे, 3 2 आया तो 3 2 की लगातार पुनरावृत्ति होगी। ऐसा नहीं होगा कि 3 की पुनरावृत्ति ना हो और 2 की पुनरावृत्ति हो जाए। अगर 3 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, 2 की पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न हो जाती है। शुद्ध वाले में जितने भी पॉइंट के बाद अंक आएंगे, उन सब की क्या होती है, आपकी पुनरावृत्ति होती है। चलिए ऐसे ही देखें, यहाँ पे 0.4225 लिखा है, पॉइंट के बाद वैसे एक एक अंक करके पढ़ते हैं, 0.42857 1। तो यहाँ पर आपका 4 की 2 की 8 की 5 की 7 और 1 की, इन सब की क्या होगा आपका, रिपीटेशन होगा। 42 85 71 के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, 42 85 71, फिर होगा 42 85 71, ऐसे आपका क्या होता रहेगा, यहाँ पर रिपीटेशन होता रहेगा। देखिए, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को किसमें बदलते हैं, साधारण भिन्न में। अगर चेंज करें तो रूल क्या होगा आपका, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने का नियम। फिर मिश्रित देखेंगे, फिर मिश्रित का नियम देखेंगे। देखिए क्या होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिख लीजिए। पहली बात, अगर शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न आए आपकी इस टाइप की, तो इसे बिना दशमलव के पॉइंट हटाइए, और जैसे भिन्न है उसे लिख लीजिए। जैसे 0.32 ही है, तो पॉइंट हटाइए, ऊपर केवल अंश में कितना लिखोगे आप, 32 लिखेंगे। और हर में क्या काम करना है आपको, और हर में जितने अंकों की आवृत्ति हुई है, यानी जितने का रिपीटेशन हुआ है, उतनी बार कितने लिखोगे, 9 अंक को लिख लेंगे। अभी समझ में आएगा आपके। देखिए, जैसे ये मान के चलिए, यही दोनों ले लिए आपके, 0.32 बार है, तो ऐसे ही तो लिखा होगा आपका 0.32 32 32, यानी इनका होता रहेगा आपका रिपीटेशन। तो ऐसे अगली लाइन में क्या लिखोगे आप, 0.32 के ऊपर बार, यानी 3 का रिपीटेशन हुआ, 2 का रिपीटेशन। रूल क्या कहता है, शुद्ध आवर्त वाली है, जितने अंक है सभी का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि पहले दशमलव को हटाइए, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव के अंश में लिखेंगे। पहले बिना दशमलव के अंश में लिख लो, तो बिना दशमलव के अंश में कितना लिखोगे आप, ऐसे 32।
अच्छा, फिर हर में क्या काम क्या करना है आपका, अभी से हटा दो, हर में काम क्या करना है आपको, जितने अंकों की आवृत्ति हुई है उतनी बार हर में कितने लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो कितने अंकों की आवृत्ति हुई है, 3 और 2 की, तो हर में कितना लिख देंगे यहाँ पर, 9 लिख देंगे। हो गया आपका ये शुद्धावर्त का। अच्छा सेकंड ये था, ऐसे यहीं पर देख लीजिए रूल क्या कहता है कि दशमलव के बिना पहले बिंदु को अंश में लिख लो, तो दशमलव के बिना लिखोगे तो कितना लिखोगे, 42, 85, 71। अब हर में काम क्या करना है आपको, हर में जितने अंकों का रिपीटेशन हुआ है उतनी बार 9 लिख लेंगे अगर वो शुद्ध आवर्त की है। तो कितने अंकों का रिपीटेशन हुआ है, 42, 85, 71, 6 अंक का रिपीटेशन हुआ है ना, तो उतने ही 9 लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये हुआ आपका शुद्ध आवर्त दशमलव से साधारण बिंदु में कैसे बदलते हैं। केवल एक लाइन का नियम होता है आपका कि अगर शुद्ध आवर्त वाली बिंदु आपको दिखाई दे तो उसे बगैर दशमलव के अंश में लिख लो, और जितने अंकों का रिपीटेशन हुआ उतने ही हर में कितना लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। चलिए मिश्रित आवर्त दशमलव बिंदु देखते हैं। मिश्रित आवर्त में क्या होगा आपका, शुद्ध आवर्त में जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उन सबका रिपीटेशन होगा, लेकिन मिश्रित आवर्त में क्या होता है, कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेशन होता है और कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे 0.27 बार लिखा हुआ है तो इसमें आपका देखिए 2 का रिपीटेशन नहीं हुआ है, किसका रिपीटेशन हुआ है इसमें, 7 का रिपीटेशन हुआ है। 0.2956 बार 2.2956 लिखा हुआ है तो इसमें 5, 6 का आपका रिपीटेशन हुआ है, इसलिए 5, 6 के ऊपर बार लिखा हुआ है और 2, 9 का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो मिश्रित है ना, यानी कुछ अंकों का तो रिपीटेशन होगा, कुछ का रिपीटेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार की भिन्न को हम क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए अब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न को किस में कन्वर्ट करना है हमें, साधारण भिन्न में। तो इसका नियम थोड़ा सा अलग रहता है, काफ़ी सरल होता है, ऐसे भी देखते देखिए। दशमलव बिंदु के बिना पहले काम क्या करना है आपको, जैसे कोई भी मिश्रित आवर्त दशमलव बिंदु देखी, शुद्ध और मिश्रित को आप पहचान लोगे, अगर सभी का रिपीटेशन है तो शुद्ध, और अगर मिक्स है उसमें किसी का रिपीटेशन है किसी का नहीं है तो मिश्रित। तो दशमलव बिंदु के बिना बनी संख्या में से अनावृत अंकों को घटाकर करना क्या है आपको, देखिए जैसे ये है यहीं पर लिख लिया, जैसे ये जैसे पहले क्वेश्चन इसी को ले लिया है 0.27 बार, तो करना क्या, दशमलव बिंदु के बिना दशमलव को हटा दो, बनी संख्या तो दशमलव के बिना बनी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 27 ही तो हो जाएगी, तो लिख लिया 27। दशमलव बिंदु के बिना बनी संख्या में से अनावृत अंकों को घटाकर, अनावृत अंकों का मतलब होता है जिसका रिपीटेशन ना हुआ हो, तो किसका रिपीटेशन नहीं हुआ है, 2 को, तो उसे घटा दीजिए। अनावृत अंकों को घटाकर अंश में लिखेंगे, लिख लिया अंश में, तथा अब बात आएगी हर की, हर में क्या करना है, हर में जितनी अंकों की आवृत्ति हो यानी जितने अंकों का रिपीटेशन हुआ हो उतनी बार क्या लिखना है आपको, 9 लिखना है। तो कितने अंकों का रिपीटेशन हुआ है, 1 अंक का, यानी कितने अंक का रिपीटेशन हुआ है आपका, 1 अंक का, यानी कि किसका हुआ है, 7 का रिपीटेशन हुआ है, उतनी बार आपको 9 लिखना है। तो 1 अंक का रिपीटेशन हुआ है उतना 9 लिख दिया, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे उतनी बार क्या लगाने, 0 लिखेंगे जितने दशमलव के बाद अनावृत अंकों, 0 कितने लगाने, जिनका रिपीटेशन नहीं हुआ हो उतने अंकों के उतने ही 0 लगाने। तो किसका रिपीटेशन नहीं हुआ आपका, 2 का, मतलब 2 नंबर है 1 अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो उतने ही क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। दोबारा सुन लीजिए एक बार, और जो भी संख्या उसे दशमलव के बगैर लिख लो पहले, तो 27 संख्या बनी, उसमें से करना क्या है, जो अनावृत अंक है जिनका रिपीटेशन नहीं हुआ उसे घटा दो अंश में, घटा दिया, फिर अपौन में हर में आ जाओ। हर में काम क्या करना है आपको, हर में उतने ही 9 लिखते हैं जितने अंकों का आपका रिपीटेशन हुआ है, तो 7 का रिपीटेशन हुआ तो 1 अंक का ही तो रिपीटेशन हुआ, तो उतना 9 लिख दिया। और 0 कितने लगाते हैं आपके, कि जितने अंकों का रिपीटेशन नहीं हुआ उतना ही पीछे 0 रख देते हैं। चलिए 27 में से 2 जाए कितने बचेंगे आपके, 25/90। वैसे तो यही आंसर हो जाता है, अगर आंसर आपका दिया हो ऑप्शन में सॉल्व करके आगे तो इसे काट लो, 5 से काटो ऐसे 5 बार 25 5 बार, और ये कितने कटेंगे, 16 बार, तो 5/16 हो जाएगा। वैसे अंक आंसर इसी में दे देता है 9 में, उसमें 9-0 में या 9-9 में। चलिए 0.2956 ये मिश्रित है, तो क्या करना है पहले, अभी वही नियम को याद रखना है, पहले जो भी संख्या उस संख्या को लिख लो, तो 2956 संख्या हो गई। अब करना क्या है, माइनस वो अंक घटाने जिनकी आवृत्ति नहीं हुई हो, तो जिनकी आवृत्ति यानी अनावृत अंकों को घटा दें, तो 29 की आवृत्ति नहीं हुई है, अनावृत अंक है तो इन्हें घटा लो। ये तो बात हो गई अंश की, अब हर में आ जाओ। हर में काम क्या करना है, हर में लिखा हुआ देखा, अब दोबारा से देख लो, जितने अंकों की आवृत्ति हो उतनी बार 9 लिख लो, तो कितने अंकों की आवृत्ति हुई है, 2 की, 5 और 6 की, तो उतनी बार 9 लिख लो, तो लिख लिए 2 9। अब 0 कितने लगाने, इन 9 के आगे, उसके आगे उतनी बार 0 लिखेंगे जितने दशमलव के बाद अनावृत अंकों,
तो दशमलव के बाद अनावृत अंक यानी जिनका रिपीटेशन नहीं हुआ है वो कितने आपके दो अंक हैं, दो और नौ है तो दो अंकित हैं, उतने जीरो लगा लो तो दो जीरो चढ़ा लिए, ठीक है। 2956 में से 29 घटा दीजिए तो कितने आएंगे, 16 में से 9 गए आपके ये 7 और 4 में से 2 जाएंगे 2, यानी ये बचेंगे आपके 2927 और डिवाइड में कितना आएगा 9900, ये हो गया आपका, ठीक। चलिए ऐसे इसे देख लीजिए 0.371 बार तो करना क्या आपको, दशमलव के बाद जो भी संख्या उसे लिख लो तो 371 लिख लिया। अब क्या करना है आपको, जितने अंकों की आवृत्ति नहीं हुई है अनावृत अंकों को घटा लो तो माइनस का 3 कर लिया, ठीक। और डिवाइड में हर में क्या करना है आपको, देखिए हर में क्या करना है, जितने आपके अंकों की आवृत्ति हुई है उतने आप 9 लगाएंगे, तो कितने अंकों की आवृत्ति हुई है, दो अंकों की, उतने 9 लिख लो हर में। और जितने अंकों की आवृत्ति नहीं हुई है अनावृत अंक उतने 0 लगाते हैं, तो कितने की नहीं हुई है आपकी, 3 की यानी एक अंक की, तो उतने 0 लगा दो। 371 में से 3 घटाओ तो कितने बचेंगे, यहाँ पे लिख दिया ना, देखिए 368 और डिवाइड में कितने आएंगे आपके 990। अगर सॉल्व करके दिया तो सॉल्व काट लो ऐसे, वैसे यहीं पर आंसर छोड़ देता है वो ऑप्शन में भी। चलिए जैसे क्वेश्चन अगर बोल देता है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ है पीटी यूपी ट्रिपल एससी पीटी है ना, तो यूपी ट्रिपल एससी के जो लोअर का एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है, जब 0.353535 करके ये अंकों का रिपीटेशन है, इसको भिन्न में दिया हुआ है, इसे भिन्न में बदलिए यानी साधारण भिन्न में बदलें तो परिणाम क्या आएगा, तो कैसा है ये पहले तो चेक कर लेना है। ये शुद्ध आवर्त है मिश्रित आवर्त है, शुद्ध आवर्त है क्योंकि 3535 दसवें बाद दो अंक है 35 उनका सभी का रिपीटेशन हो रहा है, तो शुद्ध आवर्त है। शुद्ध आवर्त का नियम जो भी पढ़ा था हमने क्या था आपका, कि जो भी पॉइंट को हटा के जो भी भिन्न बच रही है वैसे ऐसे कैसे लिखे लेंगे, देखिए 0.35 के ऊपर मतलब 3535 है तो इसे लिखेंगे पहले 0.35 के ऊपर बार। अगली लाइन में क्या करेंगे, दशमलव हटा के जो भी संख्या उसे लिख लो पहले 35 शुद्ध आवर्त वाले का नियम, और जितने अंकों का रिपीटेशन हुआ उतना हर में अपॉन में 9 लिख लो, तो कितने अंकों का रिपीटेशन हुआ दो का, तो हर में कितने आ जाएंगे 99, ये वो आंसर हो गया क्योंकि शुद्ध आवर्त है, ठीक है ना। चलिए और भी हम क्वेश्चन देखते हैं जो भी आपके क्वेश्चन हैं और जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके भिन्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को। ऑप्शन आपके दिए हुए 1-1, 2 और माइनस का 2, ये आपका यूपी प्लस सी लोअर का एग्जाम रहा था उसका पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जो हमें गिवन थ्योरी जो दिया उसी लाइन हमें दिया क्या है 1.5 के इक्वल टू कितना दिया 0.2 भी, तो पहले रेशियो निकाल लो ए बी का डन डिवाइड कर लो, तो 0.2 डिवाइड में कितना आएगा 1.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपका, तो कितना बनेगा 2/15 यानी ए अपॉन बी का मान कितना है 2/15 लिख भी सकते हैं, तो ए का मान कितना है 2 और बी की वैल्यू कितनी आई आपके यहां से 15, इस वैल्यू को इसमें लगा दीजिए 3a - 5b / 3a + 5b और माइनस का 4/20 सेम, चलिए वैल्यू लगा दें इसमें, तो कितना लगोगे 3 * a का मान कितना है 2 माइनस का 5 * b का मान कितना है 15, 3 * a का मान कितना है 2 और प्लस 5 * 15 अच्छा ये कितना है माइनस का 4/20 सेम, 3 का 2 से गुणा करोगे कितना जाएगा 5 और माइनस का 15 = 75 और 3 * 2 = 6 और ये कितने होंगे 75 और माइनस के 4 * 27 75 में 6 घटाओगे कितने हो जाएंगे -69 और ये कितने हो जाएंगे आपके 81, ये कितने माइनस के 4 * 27 अच्छा यहाँ पे 81 एलसीएम ले लीजिए आप, जब 81 एलसीएम लेंगे तो 1 यानी ऊपर आएगा -69 और 3 बार कटेगा यानी माइनस के 12 69 और 12 जोड़ी कितना बनेगा माइनस के 81 अपॉन में 81 ये कैसे कितना आएगा माइनस, कौन सा ऑप्शन सही आपका, ये बी ऑप्शन सही है। 6/50 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये रूट के भीतर है अपॉन में कितना है हमारा 200 है यानी 6/50 बराबर रूट के भीतर क्वेश्चन मार्क और अपॉन में 200 है, तुम्हारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। ये आपका लेखपाल एग्जाम हुआ था 2015 में उसका क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल सा आपका 6/50 और इसका 3/6 उड़ा कर दे इधर, तो इंटू में कितना हो जाएगा आपका 200 बराबर रूट में कितना क्वेश्चन मार्क, अब 0 से 0 5 से 240 बार और 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से 20 कितनी बार कैंसिल होंगे 4 बार, 50 से सीधा लगा दोगे 4 बार जाएगा
कितना होगा 24 बराबर रूट में क्वेश्चन मार्क की तो निकालना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 बराबर कितना आएगा क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा था वो क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा आपका 576 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये भी आपके सभी जो क्वेश्चन लिए गए वो आपके एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए। देखिए 0.0032 32 और इसकी होल पावर कितनी आपकी 0.6 है, बराबर कितनी वैल्यू आएगी निकल के वो आपको बतानी है, चार ऑप्शन दिए गए। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसे देखिए ऐसे सॉल्व करें 0.0032 0.6 है ना, ये वैल्यू लिख ली हमने 0.6 को हम लिख सकते हैं 3/5, 5 से 3 में भाग दिए कितना आएगा आपका 0.6, यानी कि 3/5 लिख सकते हैं। अच्छा ये किसके बराबर बनेगा आपका, ये 0.2 की होल पावर आप 5 खोल के देखिए, अभी 2 का 5 बार गुणा करोगे 32 और 5 अंक बाद दशमलव, तो 0.2 की होल घात 5 अगर खोलोगे तो यही अंक आएगा। अच्छा इसकी होल पावर कितनी है आपके 3/5 और पावर का पावर गुणा होता है तो 5 से 5 कैंसिल, अब 0.2 का होल की खोलें तो 2 का क्यों कितना होगा 8, 3 0 और आएंगे क्योंकि क्यों की वजह से, तो 1 2 3 मतलब कितने अंक बाद दशमलव आएगा तुम्हारे 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो इसकी वैल्यू निकलेगी कितनी आपकी 0.008, यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। अरे 2 का क्यों आपका 8 हो गया और 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा क्योंकि 3 बार खुल रहा है तो 1 2 3, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा आपका 0.008, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, 1+1/2+1/3+5/6 इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन आपको मिले भिन्न, तो सबसे अपॉन में से सॉल्व करके चलते हैं, नीचे से सॉल्व करके चलते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 3+5/6 को, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे तो यही रहने देंगे, यहाँ से इसे वैसे की वैसे उतार लो, 1+1/2+1/ इसे सॉल्व करिए, तो 6 3 18 18 5 कितने हो गए 23, कितना आएगा 23/6, एक लाइन में कर देते हैं तो 23/6 आएगा, 6 पार्ट के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 1 × 6 हो जाएगा ये। अच्छा अगली लाइन में देखिए फिर कितना है 1+1/2+ ये 6/23 है ना, लिख लो एक बार 6/23, ये कितना 23 × 2 = 46, 46 और 6 कितने हो जाएंगे 52 यानी 52, तो 1+1/ ये ऊपर हो जाएंगे आपके 52 और डिवाइड में कितना रहेगा 23 पलट के फिर ऊपर पहुँच जाएगा ये, तो 1+ कितना हो जाएगा 23/52 सॉल्व करेंगे तो 52 और 23 जोड़ लीजिए, तो 52 और 23 आपके कितने हो जाएंगे 3 × 2 = 5 यानी 75 अपॉन में कितना रहेगा ये 52, डायरेक्ट ऑप्शन दिया है कि काटना पड़ेगा, देखिए दिया सी ऑप्शन आपका सही है, यानी अपॉन में तो सॉल्व करते चलते, पहले इस बिंदु को सॉल्व कर दें, 23/ आपका कितना बना 6 ब्लड के ऊपर पहुँच गया, फिर 46 और 6 52 बना 23 ब्लड के ऊपर पहुँच गया, यानी अपॉन में से नीचे से सॉल्व करके चलते हैं, तो यदि अंश व हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है, उस भिन्न या संख्या का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, वैसे डिटेल में करोगे आप तो भिन्न को मानना पड़ेगा आपको x/y, फिर प्रथम शर्त यानी फर्स्ट कंडीशन से 3 जोड़ी है इसमें अंश व हर में, तो x+3/y+3 बराबर में 10/11 लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे एक समीकरण बन जाएगी, फिर अगली बार अंश व हर दोनों में से कितना घटाना पड़ेगा 4 यानी x-y / x-4/y-4 बराबर में कितना लेंगे 3/4 तिरछा गुणा करेंगे 2 समीकरण बनेंगे, x और y में सॉल्व करेंगे x और y का मान निकल आएगा, वहाँ पर रख देंगे भिन्न प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम इस मेथड से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे शॉर्ट में करना है, इतने टाइम भी नहीं, देखो ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाता है आसानी से, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि भिन्न के अंश हर में इतना जोड़ा जाता है इतना घटाया, तो आप ऑप्शन से जाएँ उससे आसानी से होता है। देखिए अंश व हर दोनों में से एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं, अंश व हर दोनों में कितना जोड़ा जाता है 3, तो भिन्न कितनी हो जाती है 10/11, अगर ये वाली भिन्न मान के चले ये ऑप्शन उठाते हैं, तो अंश व हर में 3 जोड़ें तो 6 और 3 कितने हो गए 9 और 13 और +3 तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/16, और जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है भिन्न कितनी हो जाती है 10/11, तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। अच्छा ऐसे में देखें अंश व हर में 3 जोड़ें तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 6 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे यानी 6/7 होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसका मान कितना हो रहा है 10/11 यानी बी ऑप्शन भी नहीं सही है। चलिए सी चेक करते हैं, अंश और हर दोनों में 3 जोड़े तो 7 में 3 जोड़े, हर में भी 3 जोड़ना है 8 में 3 जोड़े, तो कितना प्राप्त हो रहा है 10/11, तो देखिए उसका मान कितना हो जाता है 10/11 बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन भी चेक कर लें, अंश और हर दोनों में से 4 घटाएं तो घटाइए अंश और हर दोनों में से 4 तो 7 - 4 और 8 - 4 तो 7 में से 4 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा
कितना बचेगा चार, तो भिन्न कितनी हो जाती है 3/4, ये क्या बोल रहा है, तो उसका मान कितना हो जाता है 3/4 हो जाता है, तो उस भिन्न का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है। अगर आप डिटेल में करना चाह रहे हो तो जैसे बता रहे आपको एक्स अपॉन वाई मान के एक बार 3 जोड़े समीकरण बनाए, फिर 4 घटाए समीकरण बनाए एक्स और वाई के बाद, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न कितनी हो जाए 7/42 हो जाए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखिए 5/14 में से हमें घटाना है, तो 5/14 में से क्या घटाया जाए, यहीं पर कर लेते हैं, देखिए इधर कर लेते हैं। तो मान के चले हम एक्स घटा लें, 5/14 में से क्या घटाया जाए, मान के चले हमने एक्स घटाया, कितना प्राप्त हो जाती है 7/42 हो जाती है। तो क्या घटाना है वही तो बताना है, नहीं एक्स का मान बताना, तो एक्स को उधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5/ इधर ही देख लें 5/14 और माइनस का 7/42 और बराबर कितना हो जाएगा एक्स, 14 और 42 का एलसीएम कितना आएगा आपका, देखिए 14 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 42, तो 14 3 42 यानी कितना हो जाएगा 15 5 3 15 और ये कितना आएगा आपका माइनस के 7, तो 15 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा ये आपका, यहाँ से देख लें यानी 8/42 के डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, नहीं काट लें उसे 2 से 4 बार और 2 से 42 21 बार यानी 4/21 यानी वो इस एक्स का मान कितना होगा आपका 4/21 होगा, ठीक। हमने जो भी आपके भिन्न पर क्वेश्चन बन सकते थे सभी पॉसिबल सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिए। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके धन्यवाद।